नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट में फाइब्रोएडेनोमा क्या होते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर से कैसे अलग हैं। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन गराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर और गाइनी कैंसर। आजकल आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस कितना फैला हुआ है। ब्रेस्ट अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट में कोई भी गांठ आए तो उसका जांच करना, डॉक्टर के पास जाकर दिखाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। पर क्या हर ब्रेस्ट की गांठ कैंसर होती है? आज हम बात करेंगे एक और कॉमन ब्रेस्ट गांठ के बारे में, जो कि फाइब्रोएडेनोमा है और ये कैसे ब्रेस्ट कैंसर से अलग है। फाइब्रोएडेनोमा कैंसर का गांठ नहीं होता, ये ब्रेस्ट का एक सादा गांठ होता है, एक सॉलिड गांठ होता है। ये यूजुअली यंग एज में कॉमनली फील होता है, अराउंड 20s to 30s में, एंड विद टाइम कई बार ये गायब भी हो जाता है या साइज में कम भी हो जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से होता है। जब इनिशियल ईयर्स में ब्रेस्ट डेवलप हो रहा होता है तो उसमें काफ़ी सारे ब्रेस्ट चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस या ग्रोथ फैक्टर्स का इम्बैलेंस रहे तो कई बार कुछ सादी गांठें भी ब्रेस्ट में बनती हैं, जिनको कि फाइब्रोएडेनोमास बोलते हैं। फाइब्रोएडेनोमा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये यूजुअली एक छोटी सी गांठ की तरह फील होता है जो चमड़ी के नीचे स्लिप करता रहता है। बहुत कम केसेस में फाइब्रोएडेनोमा में दर्द भी होता है। कई बार ये गांठ समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भी हो सकती है। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े फाइब्रोएडेनोमा को हम जायंट फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं। अगर हमें फाइब्रोएडेनोमा जैसे कोई भी गांठ जो हमें ब्रेस्ट में फील हो रही है तो हम यूजली रेकमेंड करते हैं अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी गांठ को फील करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी के लिए एडवाइस करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बायोप्सी करेंगे। तो अगर आप यंग एज ग्रुप में हैं, आपके डॉक्टर को फील करने पर लगता है कि नहीं, ये सादा गांठ लग रहा है, फाइब्रोएडेनोमा लग रहा है, तो वो आपको रेकमेंड करेंगे आपकी एज के बेसिस पे कि अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम कराइए। काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड में देख कर ही हम बता सकते हैं कि ये सादा गांठ है, ये कैंसर का गांठ नहीं है। कई बार कुछ डाउट भी रह सकता है, तो अगर अल्ट्रासाउंड में भी क्लियर है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी क्लियर है कि ये फाइब्रोएडेनोमा ही है, तो आपके डॉक्टर आपको काउंसिल करेंगे और समझाएंगे कि ये सादा गांठ है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर अगर उनको क्लिनिकली एग्जामिन करने पर या अल्ट्रासाउंड या मैमो पर कुछ डाउट लगेगा तो एक बायोप्सी का ज़रूरत भी पड़ सकता है। ये सब करने के बाद अगर कन्फर्म होता है कि ये सादा गांठ है, फाइब्रोएडेनोमा का गांठ है और कैंसर का गांठ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़े या कोई दवा देनी पड़े। अगर तो वो बहुत छोटा गांठ है, आपको कोई पेन नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, समय के साथ बढ़ नहीं रहा है, तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर ये आपको पेन कर रहा है या साइज़ में इंक्रीज हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट का शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है उसकी साइज़ की वजह से, तो हम एडवाइस कर सकते हैं इसको एक छोटी सी सर्जरी करके निकालने का भी। पर हर फाइब्रोएडेनोमा को ऑपरेट करके निकालने का ज़रूरत नहीं होता। फाइब्रोएडेनोमा में एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अगर लगे कि एकदम से इसका साइज़ बहुत बढ़ रहा है, चमड़ी ऊपर की बहुत स्ट्रेच हो रही है और ये बहुत पेनफुल हो रहा है या इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक बायोप्सी करते हैं ये रूल आउट करने के लिए कि ये एक और प्रकार का ट्यूमर जिसको फाइलोड्स ट्यूमर बोलते हैं वो तो नहीं, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अलग होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर और फाइब्रोएडेनोमा का मैनेजमेंट काफ़ी अलग है। अगर आपके ट्रिपल असेसमेंट के बाद, डॉक्टर के इवैल्यूएशन के बाद ब्रेस्ट कैंसर आता है तो फिर आपके आगे स्कैन्स होंगे और ब्रेस्ट कैंसर की लाइंस पर ट्रीटमेंट होगा। पर अगर फाइब्रोएडेनोमा आता है तो आपके डॉक्टर आपको काउंसिल करेंगे, समझाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या सर्जरी एडवाइस करेंगे, नहीं तो हम इनको सेफली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए। धन्यवाद।